अपना भंडारा ये है छोले। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज कार्तिक सिंह और आप सभी का स्वागत है इस नई व्लॉग में। तो यार आ चुका हूँ एक महीने बाद अपनी छत पे और क्या मस्त लग रही है। मतलब धूप तो चलो हो ही रही है, उसको तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन कल मैं आ गया था अपने दोस्तों के साथ रात को पानीपत। और एक दोस्त ने, तो रोहन जिसको आप जानते होंगे, उसने क्या सरप्राइज़ दिया ना भाई, मतलब क्या ही बताऊँ। उससे मेरी बात हुई थी कि वो आएगा थर्सडे को, मतलब आज सुबह या शाम को, लेकिन उसका कल फ़ोन आया। तो नॉर्मली बात चल रही थी शाम को मेरे साथ उसकी, तो फिर उसका जैसे ही फ़ोन कटा ना, थोड़ी 5 मिनट ही बाद वो आया पीछे और मतलब क्या सरप्राइज़ दिया ना, पूरा दिन बना दिया स्लॉन्डे ने और क्या ही मज़ा आ गया। और घर की खुशी तो अलग ही होती है आने के लिए। और यार बहुत ही मज़ा आ रहा है, अभी आया हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और सबसे पहली बात, सॉरी आप सभी को, क्योंकि यार एक महीने से व्लॉग नहीं आया, होली के बाद से तो व्लॉग ही नहीं आया। तो इसलिए था क्योंकि मैं कर रहा था रील पे फोकस, इंस्टाग्राम पे डालने की, तो उस पर वक्त काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो मैं सोचा यार रील बनाते हैं, उसमें मिनी व्लॉग डाल रहा हूँ मैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं स्क्रीन पे, मैं यूज़र नेम डाल दूँगा तो आप वहाँ पे मिनी व्लॉग देख सकते हैं। और आज है अम्बेडकर जयंती, तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी अम्बेडकर जयंती। तो आज पूरा सेलिब्रेट करेंगे, जाएंगे प्रोग्राम में और वहाँ का व्लॉग बनाएंगे पूरा। अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ कपड़े धोने के लिए, ओ कपड़े धोने के लिए कह रहा हूँ, कपड़े सुखाने के लिए। तो सुखाते हैं फिर आपसे बात करते आगे। गाइज आ चुके नीचे, भाई कितनी धूप हो रही यार, बाहर हद है भाई धूप की भी। दिल्ली में तो इससे भी ज़्यादा है, अभी तो दिल्ली में भाई बहुत धूप हो रही है और यहाँ तो चलो कम है फिर भी, पर दिल्ली का तो बुरा हाल है यार। तो यार ब्रेकफास्ट में ये है दही, भाई दही क्या मस्त हो रही है, पूरी मलाई जम रखी है अंदर। और ये है भिंडी, इसमें है पराठे, और मम्मी ने कहा है फ्रूट्स के लिए खा लेना क्योंकि वो गए अभी मीटिंग के लिए गए। अब खाते हैं भाई फ्रूट, गर्मियों में भाई वाटरमेलन और क्या होता है वो, मतलब फ्रूटी चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, वाटर जिसमें वाटर हो, खीरा हो गया, तो सही रहते हैं गर्मियों में। तो देखते हैं कैसा निकलता है। गाइज अभी बजने वाले पूरा एक, और अब थोड़ी स्टडी कर लेते हैं, हम बिजनेस लॉस पढ़ेंगे अपना टेस्ट का 23 को, हाँ टेस्ट है तो उसकी तैयारी करेंगे। तो गाइज अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे भाई, 2:15, और लंच आ चुका भाई अपना। ये एक पराठा सुबह का जो बज गया था, दाल का पराठा है, और ये रोटी अभी बनाई है, सब्जी वही भिंडी, और ये तो भाई मैंडेटरी है, इसके बिना तो रोटी नीचे उतरती है भाई गले से। क्या कर दिया रोहन भाई आपने, पूरी आंधी आते हुए। ओ भाई मंगवाने क्या अब। तो गाइस अभी आ चुके हैं घूम के और बहुत ही मज़ा आया आज, तो रोहन भाई गाड़ी भी ले आए थे। और यार यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा है, अभी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है और मतलब अलग ही सीन है, बारिश हो रखी है, मतलब इतनी भी नहीं बूंदाबांदी,
और अभी जाएंगे फंक्शन में, तो अभी घर की ओर जा रहे हैं। तो गाइज अभी रेडी हो चुका हूँ, मेरी टी शर्ट डाली है और ये जीन्स और शूज़ भी है। शूज़ है ये अंदर जाके पहनेंगे, वो सॉरी बाहर जाके, और अभी चलते हैं जल्दी से निकलते हैं। तो गाइज फिलहाल पहुंच चुके हैं फंक्शन में, ये है एंट्रेंस, मम्मी पापा दीदी मैं, तो कुछ इस तरह के एंट्रेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इधर शायद जूते वाला होगा, जूते वाला सिस्टम। आते ही हमारे जूनियर ने हमें काम दे दिया है। कौन सी उठानी मुझे? दो मुझे दो। अपना भंडारा, ये है छोले, ये है क्या बोलते हैं हलवा, ये मिक्स वेज, ये राइस और पूड़ी आने वाली है, ये स्पाइस सीन तगड़ा, सब भंडारे वहाँ रखे हैं। तो गाइज फाइनली एट होम। भाई फंक्शन मैं बताऊँ क्या था, हम क्या हुआ, हम सीधा एंट्रेंस एंटर किए, ठीक है, तो फिर जब गए ना अंदर हॉल में, भाई इतनी गर्मी और इतनी स्मेल हो रही थी ना, क्या ये बताऊँ, क्योंकि पब्लिक ही इतनी ज़्यादा थी। तो हमने कहा भाई छोड़ो, सीधा भंडारे में गए, खाना आया वापस से देखा भीड़ है, घर आ गए वापस। फिर थोड़ा बाहर घूम रहे थे, मौसम भी बढ़िया हो रहा था, तो दीदी झूल रही थी और हम पार्क में घूम रहे थे, और अब आगे सीधा घर पर। और बढ़िया रहा आज का दिन, बहुत ही मज़ा आया, और वीडियो पसंद आई तो कर दूँ क्या एंटर करूँ, एंड ही कर देते हैं। अब कल देखते क्या सीन बैठता है, मौसी घर जाएंगे या फिर परसों जाएंगे, या कल शाम को भी जा सकते हैं। तो फिर अब करते इस ब्लॉग को एंड। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।